उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग 18% मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सपा, कांग्रेस और बसपा अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। पिछले कुछ समय में देखने में आ रहा है कि कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में सीटों को लेकर अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बीच जोरदार तकरार भी हुई। इस सियासत के बीच एक नई बात ये भी हुई कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय बृहस्पतिवार को जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर पहुंचे, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। कांग्रेस की सीतापुर जिला इकाई के अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने पहुंचे, मगर मुलाकात नहीं हो सकी। अजय राय ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में हमारी मुलाकात नहीं करा रहा है। हम आजम खान जी से मिलकर उनका हाल और दुख दर्द साझा करना चाहते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे सरकार और प्रशासन छिपा रहा है? अजय राय ने कहा, हम आजम खान के लिए फल की टोकरी लेकर आए थे, प्रशासन ने नहीं लिया, मगर पता नहीं हमारे प्यार के फल प्रशासन आजम खान तक भिजवाया या नहीं। इस सवाल पर जेल प्रशासन ने दावा किया कि खुद आजम खान ने उनसे मिलने से मना किया है। अजय राय ने कहा, वह प्रमाण दें कि उन्होंने इस बारे में लिख कर दिया है, वह बंदी हैं, उनसे जैसा चाहे बुलवा सकते हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से आजम खान उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है वह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस समय मुश्किल वक्त में आजम खान के साथ खड़ी है। आजम खान के साथ अपने रिश्तों के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जिस भी काम के लिए खान साहब के पास गए उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। चाहता है, नाम भी बकायदे डाल दिया गया था, पर सरकार के दबाव करने की जो मुझे सूचना मिली है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान। क्या बोला जेल प्रशासन, कोई वजह बताइए? जेल प्रशासन ने कहा कि बस सरकार के दबाव, जो उन्होंने कहा कि नहीं मिलना नहीं चाहते, तो मिलना नहीं चाहते मतलब ये कि पूरी तरीके से ये दबाव में हम लोगों से कोई बात तो नहीं कराई, ना फोन से बात कराई, ना लिखित रूप से कोई चीज दिखाई, ना पत्र दिया, ना ये भी नहीं कहा कि लिख के ये मिला है कि नहीं, वो नहीं मिलना चाहते, कोई प्रमाण नहीं दिया। तो ये है निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, बनावटी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए, मैंने कहा ना लिखित रूप से कोई बात नहीं आया कि आजम खान साहब ने लिख के दिया हो कि हम नहीं मिलेंगे, या फोन के माध्यम से कहो कि हम नहीं मिलेंगे, तो कैसे हम मान लें? इसका मतलब कि सरकार तो प्रताड़ना की कार्रवाई कर ही रही है, उनकी पत्नी को प्रताड़ित कर रही है, उनके बच्चे को प्रताड़ित कर रही है, इनको प्रताड़ित कर रही है, एक जन को सीतापुर बंद करके यहाँ रखा, हरदोई बंद करके बेटे को रखा, रामपुर में माँ उनकी पत्नी को बंद करके रखा, मतलब क्या है? इसका मतलब प्रताड़ित कर रही है और सरकार के दबाव में जेल प्रशासन पूरी तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहा है और हम लोगों से झूठ बोल रहा है। यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, आगे की क्या नीति रहेगी? खाली हाथ तो भाई हमारे कार्यकर्ता है, हमारे साथी है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, आगे उनके परिवार में हम प्रेम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अजय राय के आजम खान से मुलाकात के लिए सीतापुर जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, जब आजम खान साहब को फंसाया जा रहा था तब कांग्रेस के नेता कहाँ थे? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। जेल अधीक्षक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार एक कैदी 15 दिनों में दो बार आगंतुकों से मिल सकता है। उन्होंने कहा, इस पर निर्भर करता है कि कैदी उस व्यक्ति से कितना मिलना चाहता है या नहीं। नहीं, उधर से जाना नहीं है। आजम साहब से तो सबको मिलना चाहिए, और वो समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब उनको फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। दरअसल बुधवार को आजम खान के बेटे अदीब उनसे मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अजय राय आजम खान के प्रति सहानुभूति जाहिर करने के लिए उनसे मिलने सीतापुर जेल गए थे। रामपुर अदालत द्वारा हाल ही में दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान को सीतापुर जिला जेल में और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला जेल में भेजा गया है। उनकी पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद है। रामपुर की अदालत ने 19 अक्टूबर को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पूर्व मंत्री एवं सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।